जब जब वो युवा बोला है राष्ट्रीय आंदोलन है, जब जब युवा बोला है राष्ट्रीय आंदोलन है। देखिए पूछ लीज वाले प्रशासन के द्वारा हम लोगों को कैसे रोका जा रहे हैं। बढ़ती दो यार और जो हमें पिछले 7 दिन से गुमराह किया जा रहा था, अभी रात को लड़कियां जाएंगी भी है। उन्होंने कहा था कि अंदर करवा देंगे, जेल में बंद करवा देंगे और प्रोटेस्ट करते रहना और नौकरी लेते रहना, उन्होंने ऐसा कहा था। हमारा पेपर 3 अक्टूबर 2021 को हुआ था। अभी हमारा ये क्या है कि हमारी वैकेंसी को 1 साल होने जा रहा है लेकिन हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नीता आवाज। अगर आप धार्मिक है, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, कर्म कांड में लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम पर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं, तो आपके लिए ये प्रशासन सरकार आप पर पुष्प वर्षा करेगी। वहीं अगर आप अपने लिए रोजगार मांगते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, अच्छे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जी हां, ऐसी ही आज तमाम बड़ी खबरें लाया हूं जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाती है। किस तरीके से इस देश की वो सारी तमाम बड़ी खबरें जो जनहित में हैं, जो जनता के लिए ज़रूरी है, जो जनता के असल मुद्दे हैं, वो सारी खबरें गोदी मीडिया छिपा देती है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है या फिर सरकार का प्रचार करती है। जी हाँ, सही कह रहा हूँ। आज जिस तरीके से युवाओं, दो तरह के युवा हैं, वो आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि किस तरीके से दो तरह के युवाओं के लिए सरकार, एक तरह के युवा जो धार्मिक कर्मकांड में फंसे हुए हैं उन पर पुष्प वर्षा करती है, वहीं दूसरी तरफ युवा जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने लिए रोजगार की बात कर रहा है उसको किस तरीके से पुलिस के जरिए डराया धमकाया जा रहा है और उनको रातों को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। जी हाँ, सारी चीज़ें सबूतों के साथ दिखाऊंगा, उसके लिए पूरी वीडियो देखिए अंत तक। ये देखिए, सत्यवीर सिसोदिया है, छठी करा से दिल्ली के लिए पैदल मार्च चालू की है। यूपी पुलिस बच्चों को रोक रही है, शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च पर रोक क्यों? आपको बता दूं कि एसएससी जीडी 2018 जो नागपुर से काफिला चला था वो कई राज्यों में होते हुए अब उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुका है। और हमने पहले भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से आगरा में उनको रातों रात धर्मशाला से डिटेन कर लिया गया था और उनको बसों में भरकर आगरा के अलग अलग हिस्सों में छोड़ दिया गया था। लेकिन उन छात्रों ने कहा था कि आप हमें दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ दीजिए, हम आपको दिल्ली पहुंचकर दिखा देंगे। और उनके इसी हिम्मत और इसी जज्बे को देखिए कि आज भी वो लगातार अपना पैदल मार्च चालू है। आगे इसके बारे में और वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन, अब वो मथुरा में पहुंच चुके, खबर आ रही है मथुरा में है और वहां पर पुलिस प्रशासन उनको, खासकर जो छात्राएं, जो महिला छात्राएं हैं, उनको किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन उन छात्रों के हिम्मत को, जज्बे को सलाम करना पड़ेगा कि वो इस तानाशाही सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं है और अपने हक अधिकार के लिए, अपनी रोजगार के लिए वो दिल्ली की तरफ आ रही हैं। देखिए, ये देखिए, मुस्लिम कारोबारी को लव जिहाद के झूठे केस में फंसाया, ये खबर हमने आपको भी दिखाई थी कि किस तरीके से बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ने एक महिला दिल्ली से हायर की थी कि उसको किसी मुस्लिम कारोबारी को झूठे लव जिहाद के केस में फंसाना था, जिसके बाद उस महिला ने कोर्ट में अपने ही बयानों से मुकर गई और सारा काला चिट्ठा खोल दिया। ये देखिए, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, दावा करते हैं कि हमारी सीमा में ना कोई घुसा है ना घुसेगा, अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो हम उसे लाल आग दिखा देंगे। लेकिन वहीं देखिए, ये खबर बहुत चिंताजनक है, जिस तरीके से चीन लगातार भारत की सीमा में घुसता जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम बड़े बड़े जो हैं अखबार इस बात को लिख रहे हैं। अमेरिका ने खुद कहा है कि जिस तरीके से चीन भारत की सीमा बॉर्डर पर हरकत कर रहा है, अपने गांव बसा रहा है, वो भारत के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री उस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ झालर, उनकी चाइनीज झालर का बहिष्कार कर बायकॉट कर उनको आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए भक्तों ने जो ट्रेंड चलाया था उस पर भी एक बड़ी खबर है, वो ये है कि चाइना से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है भारत में। आप अंदाजा लगा दें, गुना जो है चाइना ने भारत में भी बढ़ाया है। और आप कहते हैं, अभी में खबर आई कि वीवो जैसी कंपनी कई करोड़ कर
बाहर से चाइना चली गई तो आप अंदाजा सकते हैं कि किसको लाल आग दिखा रहे हैं। और ये देखिए, चीन ने भारतीय वायुसेना को फिर सकारा। पूर्वी लद्दाख में एलिन पर आकर भारत को उकसाते दिखे चीन के फाइटर जेट, ताजा लगते हैं बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट किया है। और ये देखिए, ये खबर जो है, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, खासकर गोदी मीडिया, उनके सीने पे सांप छोड़ने का काम करेगी। ये देखिए, बिजनौर शिव भक्तों की सेवा के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने कैंप लगाकर खाना पीने और आराम करने की व्यवस्था की। आप अंदाजा लगाइए वो कौन लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं। लेकिन असल तस्वीर ये है भारत की, जहां पर मुसलमान कांवड़ियों के लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं। ये खबर आपको टीवी में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इससे भाईचारा बनता है, देश मजबूत होता है। क्योंकि देश मजबूत होगा तो भारत तरक्की करेगा, और गोदी मीडिया और बीजेपी के नेता नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे। ये हालात है। और ये देखिए, दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है, रोहित वेमुला संस्थानिक हत्या के बाद दूसरा मौका है जब स्मृति ईरानी ने मोदी सरकार को शर्मसार किया है। तब शिक्षा मंत्री पद छीना गया था, आरएसएस बैकग्राउंड से नहीं है, वह पहले नरेंद्र मोदी कैंप में भी नहीं थी, आडवाणी खेमे से मोदी कैंप में स्विच किया, इस बार मंत्री पद जा सकता है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठ बोला कि उनकी लड़की जो है वो कोई भी बार या इस तरह का कारोबार नहीं करती, जबकि उनका खुद का इंटरव्यू यूट्यूब पर वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उनकी जो बेटी है ईरानी जी वो खुद कहती दिख रही है कि हाँ मैं इस होटल को चलाती हूँ। और भारत की सबसे उभरती हुई कारोबारी है ये, देखिए उसके बाद से स्मृति ईरानी के जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लेकिन इनकी जो है बेशर्मी की दाद देनी पड़ेगी, खुलेआम पूरी जनता के सामने आकर ये लोग झूठ बोल देते हैं, जबकि वहाँ पर सारे सबूत है। उसके बाद वहाँ पर इनके बार को जो है छिपा दिया गया था, और इनकी बेटी ईरानी ने इंस्टाग्राम जो है अकाउंट डिलीट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर उसकी तमाम वीडियोज़ और फोटोज़ थी जो इनका बार था। इस कंट्रोवर्सी के बाद इनकी बेटी ने इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट मार दिया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने बार पर जाकर वहाँ जो इन्होंने छिपाने का काम किया था वो सारा दिखा दिया है, किस तरीके से वो वीडियो भी दिखाऊंगा। ये देखिए, सहारनपुर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने के आरोप में मधु किशोर समेत 5 लोगों पर FIR दर्ज। तो आप समझिए कि कौन लोग सोशल मीडिया पर नफरत भरे खबरें फैलाता है और एक समुदाय के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करता है। और ये देखिए, बीजेपी के नेता किस तरीके से देह व्यापार का कारोबार करते थे, जहां पर 6 नाबालिगों को भी छुड़ाया गया है। आप सोचिए, ये देखिए, बीजेपी नेता के फार्म हाउस में देह व्यापार का आरोप, पुलिस ने 6 नाबालिगों को छुड़ाया, 73 गिरफ्तार। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, मेघालय में बीजेपी के नेता, आप सोचिए कौन करता है, दारू के ठेके कौन बेचता है, लड़कियों को कौन बेचता है। ये सारी खबरें उन्नाव, आपको याद होगा जब एक उन्नाव की रेप पीड़िता इंसाफ के लिए जा रही थी तो उसके पूरे खानदान को ट्रक से उड़ा दिया गया था, और जो विधायक जी थे बीजेपी के वो अपना मौज मस्ती में रह रहे थे। और ये देखिए, News24 ने खबर की है, अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में NH-46 पर पुल बना था भोपाल में, जो पहली बरसात भी नहीं झेल पाया, किस तरीके से पूरा फ्लाईओवर टूट गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा। और इस भ्रष्टाचार पर गोदी मीडिया खामोश है, खबर तक दिखाने को तैयार नहीं है। जहां एक तरफ झूठे घोटालों के आरोपों पर सरकारें गिर जाती थी, यही गोदी मीडिया सरकारें गिरवाने का काम करती थी, आज वो खामोश है क्योंकि सत्ता में बीजेपी है। देखिए, मध्य प्रदेश पहली बारिश भी नहीं झेल पाया, भोपाल के पास NH-46 पर बना पुल 529 करोड़ की लागत से हुआ था निर्माण। आप सोचिए, 529 करोड़ की लागत से निर्माण होने वाला पुल पहली बारिश नहीं झेल पाया और धड़ाम से धाराशाही हो गया। इतना ही नहीं, इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हाईवे का उद्घाटन तो कर दिया था, लेकिन वो पूरा मुकम्मल बना भी नहीं था। उसके बाद जब पहली बारिश हुई बुंदेलखंड में, तो वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो धराशाई हो गया, तमाम जगहों से उसकी वीडियोस वायरल हुई है। तो ऐसे ये लोग काम करते हैं, लेकिन इन पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगेंगे, इनकी जांच नहीं होगी, क्योंकि ये पुल बनाने वाले बीजेपी के लोग हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देखिए,
जो मैं कह रहा था कि दो प्रकार के युवा हैं। एक तरफ ये देखिए हाथ में तिरंगा है, पैदल मार्च कर रहे हैं पिछले 50 दिनों से और मांग कर रहे हैं कि हमें रोजगार दीजिए, लेकिन उनके ऊपर पुलिस जबरन उनको रोकती है और उनको डराने धमकाने का काम करती है। वहीं दूसरी तरफ ये वीडियो देखिए, ये वीडियो बागपत का है जहां पर डीएम और एसपी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आप इन दोनों खबरों से, दोनों वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात है। सरकार युवाओं के हाथों में क्या देना चाहती है, सरकार युवाओं को किस तरीके से बर्बाद करना चाहती है, सरकार किस तरीके से आपस में लड़ाने का काम करती है और सरकार की प्राथमिकता क्या है युवाओं के लिए, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं। देखिए, मथुरा पुलिस यथाशीघ्र लोगों को रिहा करे, SHGD 2018 नागपुर से दिल्ली पैदल मार्च कर रहे अभ्यर्थियों को आग्रह के बाद आज 54वें दिन मथुरा की पुलिस प्रशासन ने हम लोगों का सुबह से ही सड़क पर तपती धूप में बैठने को मजबूर कर दिया। ये वीडियो देखिए और इनकी बात सुनिए। देखिए पुलिस वाले प्रशासन के द्वारा हम लोगों को कैसे रोका जा रहे है। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, बढ़ती दो यार थी दो। तो सुना आपने। और दूसरी तरफ ये वीडियो है जहां पर डीएम और एसपी साहब कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये लोग इनसे रोजगार नहीं मांगेंगे, इनका घेराव नहीं मांग करेंगे, इनसे अच्छी स्वास्थ्य के लिए गुहार नहीं लगाएंगे, इसलिए इन पर पुष्प वर्षा हो रही है। और ये देखिए, यही कांवड़िए जो है मेरठ में कांवड़ियों का उत्पात देखिए। अगर इनकी जगह दाढ़ी टोपी कुर्ते पजामे वाले लोग होते तो अब तक उनके घर पर बुलडोजर चल गया होता, पाकिस्तान कनेक्शन निकल गया होता, गोदी मीडिया को हफ्ते भर का मसाला मिल गया होता। ये आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से कांवड़िए तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये देखिए, रणविजय ने ट्वीट किया है, ये इसी देश के युवा हैं जो लगातार 54 दिन से पैदल मार्च कर रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए हैं, इन पर फूलों की बारिश नहीं हो रही है क्योंकि ये लोग नौकरी मांग रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं नागपुर से दिल्ली कितना लंबा, 1068 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है, दूरी है, वो पैदल चलकर आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको नियुक्तियां मिले, उनको रोजगार मिले, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वहीं अगर आप कांवड़ उठाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो आपको जो है पुरस्कार मिलेंगे, आपको पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा और आपको जो है किसी, हो सकता है किसी पद पर भी बिठा दिया जाए, लेकिन आप रोजगार की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, अच्छे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग करेंगे, बिजली घर पानी मकान की बात करेंगे, तो आप पर लाठी बरसाई जाएगी और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये देखिए, पंडित नेहरू की बहुत से लोग आलोचना करते हैं, लेकिन मैं नेहरू की आलोचना नहीं कर सकता, किसी की नीतियां खराब हो सकती है, नियत नहीं। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में, हर भारत में होने वाली आज हर चीज़ को दोष देते हैं नेहरू को, उस पर राजनाथ सिंह ने तंज कसा है कि लोग जो है पंडित नेहरू की बुराई कर सकते हैं, लेकिन मैं निजी तौर पर नहीं करूँगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये देखिए, महंगाई की मार से आज हर भारतीय इतना त्रस्त है कि अब खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि महंगाई पर जो जरूरी चीज़ें हैं, जरूरत की चीज़ें हैं, कम से कम उनकी कीमतों में तो कमी की जाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये RSS कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, पेट्रोल जो है 100 के पार हो चुका है, गैस 1000 के पार हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ आटा चावल गेहूं दूध दही पनीर इन पर भी 5% जो है GST लगा दिया गया, उसके बाद से हालात बहुत ख़राब है, लेकिन सरकार इस पर काम करने को तैयार नहीं है, वो अभी भी हिंदू मुस्लिम पर काम कर रही है। ये देखिए, ये इसी देश में हो रहा है, इनका गुनाह है कि नौकरी मांग रहे थे। इस छात्रा की बाइट सुन लीजिए, किस तरीके से रात में इनको सड़क पर दौड़ाया जा रहा है और इनको प्रताड़ित किया जा रहा है और इनको डराया धमकाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए। सुन लीजिए, मेरा यही सरकार से निवेदन है कि सर कब तक आप हमें रोकेंगे, और जो हमें पिछले 7 दिन से गुमराह किया जा रहा था, अभी वो 2 स्टार वाले सर रूडली लैंग्वेज में बात किए कि तुम ये हो वो हो, हम अभी रात को लड़कियां जाएंगे कहाँ, हमारे पास 24 लड़कियां हैं,
बाकी लड़के हैं, ये इतने लड़के 24 लड़के की जिम्मेवारी नहीं ले सकते। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगी, यहाँ की पुलिस प्रशासन या यहाँ इस देश की जनता और ये नेता? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हम रात को कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे। तो सुना आपने, इस तरीके के हालात है। अब ये दूसरी बाइट सुनिए जिसमें एक छात्रा कह रही है पुलिस वाले अंदर करवा देंगे, जेल में डलवा देंगे, प्रोटेस्ट करते रहना। तो डराने धमकाने का जो कल्चर है वो लगातार चालू है और सरकार इस पर संज्ञान लेने की बजाय, इन छात्रों की आवाज़ सुनने की बजाय इन्हीं को दोषी बता रही है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था किस तरीके से एक पुलिस वाला कह रहा था कि आप जो हैं देश विरोधी नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इसको भी सुन लीजिए। रुके हो, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हमें धमकी दी है। उन्होंने कहा था कि अंदर करवा देंगे, जेल में बंद करवा देंगे और प्रोटेस्ट करते रहना और नौकरी लेते रहना, उन्होंने ऐसा कहा था। और फिर रात के अभी 11 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, हम 130 कैंडिडेट 11:30 बजे रात को पैदल चल रहे हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? अगर रात को अगर कुछ हो जाता है, हम 24 लड़कियां हैं और 24 लड़कियों की जिम्मेदारी क्या केंद्र सरकार लेगी, क्या यूपी पुलिस लेगी 24 लड़कियों की जिम्मेदारी? तो सुना आपने, एक तरफ जो कांवड़ लेकर जा रहे हैं उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है, एसडीएम और एसपी वगैरह जो है उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लोग एग्जाम देने के बाद अपनी नियुक्ति के लिए पैदल मार्च निकाल रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें रोजगार दीजिए, उन लोगों पर लाठी डंडा बरसाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है और उनको सड़क पर दौड़ाया जा रहा है, ये खबर है। और अब ये खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये खबर है जहां पर नर्सों ने अपनी ज्वाइनिंग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इनकी भी बाइट सुन लीजिए कि वो किस तरीके से बता रही हैं कि उनके साथ पिछले एक साल से वादे पे वादा, वादे पे वादा हो रहा है लेकिन इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, सुन लीजिए। हमारा पेपर 3 अक्टूबर 2021 को हुआ था, अभी हमारा ये क्या है कि हमारी वैकेंसी को एक साल होने जा रहा है लेकिन हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो सुना आपने, ये हालात है आज भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में। अगर आप रोजगार मांगेंगे, अगर आप शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, अच्छे रोड की बात करेंगे तो आपको जो है इसी तरह डराया धमकाया जाएगा और इसी तरीके से आपको सड़कों पर दौड़ाया जाएगा। और अगर आप धार्मिक कर्मकांड में फंसे रहते हैं, अगर आप कांवड़ ढोते रहते हैं और अगर आप हिंदू मुस्लिम में फंसे रहते हैं, हनुमान चालीसा में फंसे रहते हैं तो आप पर पुष्प वर्षा होगी, आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन वो सम्मान जो है, वो पुष्प वर्षा जो है वक्ती तौर पर होगा, फ्यूचर में आपके लिए कुछ नहीं मिलेगा, फ्यूचर में आप जो है मजदूर बनकर रह जाएंगे, जबकि उनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़कर अच्छी डिग्री लेकर बड़े बड़े पदों पर बैठकर मलाई खा रहे हैं। जी हाँ, आपको याद होगा शिवराज सिंह चौहान के बेटे की वीडियो वायरल हुई थी जो विदेश से लो कर रहे थे, अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जो बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी पोस्टों पर उनके बेटे बैठे हुए हैं लेकिन आपके बेटों को जो है धार्मिक कर्मकांड में फंसाकर कांवड़ ढुलवाया जा रहा है और हिंदू मुसलमान के नाम पर मुसलमानों के सामने खड़ा कर दिया गया है। इस वीडियो पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आज देश के युवाओं को रोजगार की जरूरत है या कांवड़ की या हिंदू मुस्लिम की या धर्म की ज़्यादा जरूरत है? इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।